हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आशीष क्लासेस PCMPCB। बच्चों, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे, आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और टॉपिक क्या है? कैलकुलेशन ऑफ ई सेल व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ मेटल आयन आर डिफरेंट। हमें क्या करना है कि ई सेल फाइंड करना है, और कब? जब किसी मेटल आयन का जो कंसंट्रेशन है वो डिफरेंट हो। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से देखिएगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को जितना हो सके लाइक और शेयर करिएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। लेट अस कैलकुलेट द ई सेल ऑफ डेनियल सेल। ठीक है, एक डेनियल सेल ले लेते हैं और उसका हमें क्या करना है, ई सेल फाइंड करना है। ओके, तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर सेल इक्वेशन की बात करते हैं। तो ये एक हमारे पास क्या है, सेल इक्वेशन दी गई है। ठीक है, डेनियल सेल इक्वेशन है ये, है ना। तो ये डेनियल सेल इक्वेशन है और हमें क्या करना है कि इसी सेल के थ्रू हमें क्या करना है कि कंसंट्रेशन ऑफ ई सेल निकालना है। ठीक, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ ZN डबल पॉजिटिव, यानी ZN डबल पॉजिटिव का जो कंसंट्रेशन है बच्चों वो क्या दिया गया है, वो C1 है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर डबल पॉजिटिव की, तो कॉपर डबल पॉजिटिव की जो कंसंट्रेशन है यहाँ पर कितनी दी गई है, C2 दी गई है। ये चीज़ आपको क्लियर है, मतलब यहाँ पर हमारे पास डेनियल सेल है। ठीक है, हमने डेनियल सेल पढ़ा था पहले, तो चलो हम डेनियल सेल यहाँ पर बना लेते हैं। यहाँ पर इस तरीके से एक हम डेनियल सेल बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक जिंक सल्फेट का यानी ZnSO4 का सोल्यूशन इसमें भरा है, और इस वाले कंटेनर में कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन भरा है। इसमें क्या है, ये जिंक की रॉड है और यहाँ पर कॉपर की रॉड होगी, यहाँ पर कॉपर होगा और यहाँ पर होगा जिंक की रॉड। ठीक है, डेनियल सेल कुछ इसी तरीके से था। और यहाँ पर क्या था, एक सॉल्ट ब्रिज लगा हुआ था। ठीक है, क्या लगा था, एक ब्रिज लगा हुआ था। ठीक है, और यहाँ पर ये इस तरीके से इलेक्ट्रोड जुड़े हुए थे, कुछ इस तरीके से हमारा डेनियल सेल था बच्चों। ठीक है, है ना। अब यहाँ पर क्या था, ये एनोड का वर्क कर रहा था, किसका वर्क कर रहा था, एनोड का, और ये वाला कैथोड यानी कॉपर का जो रॉड था वो कैथोड का वर्क कर रहा था। किसका वर्क कर रहा था बच्चों, कैथोड का वर्क कर रहा था। ठीक है, और इस सेल में यहाँ पर जो जिंक है, उस जिंक का क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन हो रहा था, जबकि कॉपर का क्या हो रहा था, कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में रिडक्शन हो रहा था। और जिंक से यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो टूट टूट कर किधर जा रहे थे, इधर की ओर जा रहे थे, मतलब जिंक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रही थी और जो कॉपर की रॉड है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रही थी। ठीक है, तो यहाँ पर वही बताया गया कि यहाँ पर डेनियल सेल इक्वेशन ले ली गई और उसमें जो क्या है कि जिंक का जो कंसंट्रेशन है, यहाँ पर ये जो जिंक है इसका कंसंट्रेशन C1 है, और इधर कॉपर जो है, कॉपर का कंसंट्रेशन कितना बच्चों, C2 है। यहाँ तक बातें आपको समझ में आई होंगी सारी। ठीक है, तो सबसे पहले ई राइट सेल की बात कर लेते हैं, है ना। ई राइट सेल मतलब ये वाला सेल, इसको बोलेंगे ई राइट सेल। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, ये ई लेफ्ट सेल हो जाएगा। तो ई राइट सेल को क्या लिख सकते हैं, ई राइट सेल इज़क्ल टू ई नॉट कॉपर डबल पॉजिटिव, है ना, हाफ सेल रिएक्शन प्लस 0.059 लॉग कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर एट 298 केल्विन टेम्परेचर, है ना। उसी तरीके से ई लेफ्ट सेल को हम लिख लेते हैं, तो ई राइट को हमने लिख लिया, उसी तरीके से हम क्या करेंगे, ई लेफ्ट को लिख लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर n क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, दो, है ना। कॉपर क्या होगा, दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, दो इलेक्ट्रॉन जिंक लॉस करेगा। ठीक है, तो n की जगह 2 हो जाएगा। तो इन दोनों के थ्रू हम बच्चों क्या ई सेल निकाल सकते हैं। तो ई सेल का फॉर्मूला क्या होता है, ई सेल इज्क्वल टू ई राइट माइनस ई लेफ्ट। क्या होता है, ई सेल इज्क्वल टू ई राइट माइनस ई लेफ्ट होता है। ठीक है, नोट्स बनाते जाइएगा। देखिए, मैं इतना अच्छे से इसीलिए लिखता हूँ ताकि आप बहुत अच्छे तरीके से नोट बना लें। ठीक है, क्योंकि बिना देखे अगर जब मैं डायरेक्ट पढ़ाता जाऊँगा तो वहाँ राइटिंग थोड़ी सी गंदी हो जाएगी, है ना। तो हो सकता है चीज़ें वहाँ पर ना समझ में आए, तो इसीलिए मैं पहले से नोट कर लेता हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे तरीके से हेल्प मिले नोट्स बनाने में। तो नोट्स बनाते जाइएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए बच्चों, यहाँ पर ई सेल निकालते हैं। तो ई सेल में हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे हम बच्चों कि यहाँ पर ई राइट की वैल्यू रख देंगे और फिर माइनस करके ई लेफ्ट की रख देंगे। तो माइनस
ई राइट की वैल्यू इतनी है और ई लेफ्ट की वैल्यू इतनी है, यहाँ माइनस लगा तो यहाँ प्लस वाली वैल्यू माइनस में हो जाएगी। ठीक बच्चों, तो ई सेल इज इक्वल टू हम जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा ई कॉपर डबल पॉजिटिव स्लैश कॉपर और ई नॉट जिंक डबल पॉजिटिव जिंक माइनस 0.059 अपॉन 2 लॉग कंसंट्रेशन ऑफ जिंक अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर। ठीक है, तो यहाँ से ई सेल इतना निकल के आया, ये चीज़ समझ में आई होगी, ये वैल्यू आपने रखी तो यहाँ से ई सेल इतना निकल के आया। अब देखो यहाँ पर बात करते हैं, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.592 लॉग कंसंट्रेशन ऑफ जिंक अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर। तो यहाँ से ये ई सेल नॉट का फॉर्मूला हमें मिल गया। थोड़ा सा और चीज़ें हम समझेंगे क्या, कि दस ई सेल डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ कॉपर डबल पॉजिटिव एंड जेड एन डबल पॉजिटिव आयन। जो ई सेल का कंसंट्रेशन होगा बच्चों, है ना, यानी इसका जो कंसंट्रेशन होगा वो किस पर डिपेंड होगा भाई, वो कॉमन सी बात है, वो किस पर डिपेंड होगा, कॉपर पर, है ना, और किस पर डिपेंड होगा, जिंक पर डिपेंड होगा। ठीक है, आगे क्या है, इट इंक्रीज विद कंसंट्रेशन, मतलब ये तभी इंक्रीज होगा जब इनका कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा ऑफ कॉपर आयन एंड डिक्रीज विद इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ जिंक आयन। ये कब डिक्रीज होगा, द इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ जिंक आयन, यानी यहां पर चीजें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, फिर से एक बार समझ लेते हैं कि जो ई सेल होता है उसका कंसंट्रेशन बच्चों किस पर डिपेंड होगा, तो कॉपर आयन और जिंक आयन पर डिपेंड होगा। इट इंक्रीज विद इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर आयन, तो क्या होगा, ये इंक्रीज होगा जब क्या होगा कि कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर आयन, यानी जब कॉपर आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा, एंड डिक्रीज विद द इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ जिंक आयन, है ना, कब डिक्रीज होगा, डिक्रीज विद, है ना, द इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ जिंक आयन। कैसे, अगर इसका कॉपर आयन का जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज होगा तो कॉमन सी बात है जिंक का डिक्रीज होगा, जिंक का डिक्रीज होगा तो कॉपर का इंक्रीज होगा, ये चीज यहां पर बताई गई है। बाय द पुटिंग जिंक डबल पॉजिटिव, है ना, जिंक डबल पॉजिटिव और यहां पर क्या है C1 और कॉपर डबल पॉजिटिव इक्वल टू C2 सेल कैन बी कैलकुलेटेड। ठीक है, अगर जिंक की जो कंसंट्रेशन है वो C1 है और कॉपर की कंसंट्रेशन C2 है तो सेल को कैसे कैलकुलेट करेंगे, डेनियल सेल रिडक्शन, है ना, डेनियल सेल रिएक्शन क्या होगी, यहाँ पर Zn प्लस कॉपर डबल पॉजिटिव गिव्स Zn डबल पॉजिटिव और कॉपर हो जाएगा। तो यहाँ से ई सेल निकालेंगे क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हो जाएगा, ये फॉर्मूला यहाँ पर यूज होगा। बच्चों एन की बात करते हैं तो एन मैंने पहले ही बता दिया था कि एन क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन द सेल रिएक्शन, यानी जो सेल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होंगे वही हमारा एन होगा। और फॉर डेनियल सेल की बात करते हैं तो एन इक्वल टू कितना होगा, 2। ठीक है, क्योंकि दो ही इलेक्ट्रॉन वहां पर इन्वॉल्व थे। तो सारी चीजें समझ में आई होंगी, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए, मिलते हैं नए वीडियो में नए लेक्चर के साथ और कुछ न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे। तो थैंक यू फॉर दिस क्लास।